नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हैं कि आज हम इस पूरी कैंपर वैन को आपको दिखाने भी वाले हैं, यानी कि वैन टूर कराने वाले हैं। और साथ ही ये कैंपर वैन, दिस कैंपर वैन इज अवेलेबल फॉर सेल। सो आप इसको देखेंगे भी, इसके प्राइस भी हम आपको बताएंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और फिर बताएंगे कि मतलब किस प्रकार से आप इस कैंपर वैन को, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है और ये कैंपर वैन फुलफिल करती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सिमरन जी का और भाभी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे ब्लॉग में। तो एक्चुअली सिमरन जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है रूप ब्लॉगर्स करके, जिसका लिंक भी नीचे आ रहा है। और बेसिकली फूड ब्लॉगिंग आप करते हैं, आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। उसके साथ ये वैन इन्होंने तैयार की थी, पर अभी जितना भी इन्होंने ट्रैवल किया, क्योंकि फैमिली इनकी हमारी तरह बड़ी है, दो बच्चे हैं, आप दोनों खुद हैं, तो ये स्पेस थोड़ी सी कॉम्पैक्ट इनको लगने लगी है। सो दे आर मूविंग ऑन टू अ, दे आर प्लानिंग टू मूव ऑन टू अ ट्रक। सो ये वाली जो कैंपर वैन है, दिस इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए सर, स्वागत के साथ बस अगर आप हमें बताएं, यहीं से शुरू करें, सबसे आगे से ही शुरू करते हैं कि इस कैंपर वैन में क्या क्या बनाया और कैसे कैसे तैयार किया। तो सारे नूं पहले सत श्री अकाल। तो इस गड्डी दे विच आपां दो किचन, एक बाथरूम ते दो बैडरूम, मतलब नियर अबाउट पांच लोग इहदे विच सफर कर सकते, छे भी सफर कर सकते हैं। तो सब तो पहले आप खाने तो शुरू करते हैं, है ना, भी फूड जरूरी है सफर के नाल नाल, खाना पीना जरूरी। जिस तरह अपने घर च किचन है, उसी तरह आप वाली किचन बनाई हुई है। किचन बारे थोड़ा जिहा मैडम जी जानकारी देंगे, आ जाओ जी। नमस्कार जी। तो किचन है ये, पहले हमने ये तीन ड्रॉर डाले हैं, ये देखिए इसमें कुछ भी स्पेस है, जो आप जो हम चम्मच वगैरह जो इसमें रखते हैं, जो बड़े बर्तन आ जाते हैं वो इसमें रखते हैं, और बाकी के जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही नीचे। और जो भी हमें सामान चाहिए ऐसे ज़रूरी, जैसे हम घर में रखते हैं ना, जैसे वॉशरूम का भी होता है साबुन वगैरह जो, सो वो इधर रख देते हैं हम सारा। तो ये ऊपर ये है सैंक है, आपको हम दिखाते हैं बाद में। तो इसका जो नीचे सप्लाई है जो वेस्ट का है, वो इधर से हमने दिया है पाइप, और उसका जो वेस्ट पानी गिरता है वो कहाँ गिरता है वो भी आपको बाद में हम बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो सैंक है इसका बर्तन साफ करने के लिए, ये भी हमने बड़ा ही लगाया है इसमें, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते थे, लेकिन फिर भी अभी हमको थोड़ा कम लग रहा है। तो इसमें आराम से आप बर्तन वगैरह वॉश कर सकते हैं। तो वो जब फट्टा उसके ऊपर आ जाता है वो वाला, तो फिर इसमें आप सल्फ में पूरा अच्छे से आराम से काम कर सकते हैं, अगर आपको बारिश वगैरह बाहर है। वैसे ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो बाहर वाला किचन ही यूज़ करते हैं, तो ये कम यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं जैसे बहुत, जैसे बाहर ठंड पड़ रही है, चाहे बारिश हो रही है, तो इसलिए ये हम यूज़ करते हैं। सर जो ये किचन थोनू मैडम जी ने दिखाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है तो ये लगभग 1.5 फुट होगी। तो इसकी जो ऐसी लंबाई है वो 4.25 या 4 फुट की लगभग है। तो जैसे जितनी जगह थी ऐसे, जितनी जगह के हिसाब से हमने बनाई है, कोई रेडीमेड तो आती नहीं, जैसे भी हमने इसका साइज था गाड़ी के हिसाब से, और जितना हमें कंफर्टेबल लगता था ना, उतना हमने इसका बनवा लिया। और ये किचन चलती है, आगे हम इसको करेंगे, और ये वाला जो सोफा कम बेड है इसको हम बेड बना देंगे। ठीक है, मतलब इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। जी जी। तो वैसे तो ये सोफा है, अगर हमने इसको बेड बना तो इसको आगे करना पड़ेगा। नीचे इसके ना हमने पहिए लगाए हैं, और उसको रोल करके धक्का लगाएंगे तो ये किचन यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाला जो है बेड बन जाएगा। ओ, क्या बात है सर। सर ये वाटर वगैरह का यहाँ पर जी वाटर टैंक सर ऊपर लगा हुआ है इसके। ठीक है, तो ये जो आपने टैप लगा रखा है उसमें एक्सेसिबिलिटी। जी जी बिल्कुल। और गैस का क्या करते हैं सर इस जगह पर? सर गैस का हमारे पास पोर्टेबल गैस है, एक पीछे है बड़े सिलेंडर वाला चूल्हा जो हम घर में नॉर्मल यूज करते हैं, वैसे चूल्हा और वही सिलेंडर है, वो पीछे वाली किचन में है। और यहाँ पे पोर्टेबल चूल्हा रखा हमने, वो जो छोटा होता है ना जो कैंसर वाला, हाँ उसमें सिलेंडर भी डल जाता है, और अगर छोटा 5 किलो वाला रखना हो तो वो नीचे इसके स्पेस है, वो भी रख सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं वैसे पड़ी। हमने उसकी भी पाइप थोड़ी सी लंबी करके रखी है, और बाहर से समेत पाइप चूल्हा इधर आ जाता है अगर जरूरत पड़े तो। अब ये बेड कैसे कन्वर्ट होगा? जी जी वो भी करके दिखाते हैं सर। इसे सोफे को बेड बनाने में मुश्किल से 1-2 मिनट ही लगेगा। करेक्ट, हाँ आपको बना के दिखाते हैं। दिखाना थोड़ा सा, ये इस प्रकार से आपने इसको जी आगे ले लिया, तो ये इस प्रकार से यहाँ आ गया, मतलब ये इससे सज गया आपके बेड से। वाह, और अभी भी मुझे लगता है ये वॉशरूम और इसमें पर्याप्त स्पेस है। जी काफी स्पेस। जी काफी स्पेस।
और अब ये जो पूरा स्पेस है हमारे पास, ये पूरा खाली बच गया, मतलब इसमें पूरे में अब बेड आने वाला है जी। अगर सर मतलब हमको जरूरत नहीं है तो हम इसको घर में भी छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, जैसे ये पोर्टेबल है तो इसको उठाते हैं, दो बंदे उठाएंगे और बाहर निकाल देंगे। सही बात, तो ऐसे पूरी खाली रह जाएगी। अगर पीछे वाली किचन की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल के घर में छोड़ सकते हो जी। ऐसे स्पेस ज्यादा रहेगा। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेस, मतलब अच्छा खासा जी कैंपर वैन के हिसाब से। हर गाड़ी में मुझे लगता है सबके अपने अपने इनोवेशन होते हैं जी। तो ये देखिए जी, ये बन गया, वाओ, कंप्लीट बेड। क्या बात है सर, क्या बात है। तो इस पे सर बैठ के दिखाइए, देखिए कितना पैर आ जाता है। ये भाभी जी बैठ गई। ये सर अभी और नीचे जाएगा जी वाला, नहीं जाऊंगा इस राउंड, नीचे जाऊंगा। ओ, ये पूरा आपका, ये आपका पूरा फ्लैट बेड हो गया। तो सर बैठिए, देखिए कैसा आनंद। क्या बात है, क्या बात है। आपकी हाइट कितनी है सर लगभग? 6 फीट है सर। आपकी 6 फीट है जी। सर ऐसे एक बार लेटिए, देखिए कितने पैर आते हैं आपके। ये आप लेट गए और हल्का सा टेढ़ा होके आप, मतलब मेरे ख्याल से 5-8 के आसपास के लिए ये जी बिल्कुल ठीक होगा जी। वाह, शानदार। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता सोने के लिए, जैसे हम इधर भी एक और गद्दा रख लेते हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे टेढ़ा सो जाता मैं। आप केवल आप, क्योंकि आप हाँ, बाकी 5.5 फुट से कम ही है तो इनके लिए तो ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ी सी इसकी जो चौड़ाई भी कम पड़ रही है जी, तो जी। वैसे एडजस्ट हमने कर लिया, यहाँ पे गद्दा रखेंगे और टांगे इधर करके सो सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही छोटे छोटे कारण है जिनकी वजह से हम शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मतलब थोड़ी सी बड़ी अब आपको स्पेस चाहिए, पर दो लोगों के, तीन लोगों के लिए ठीक है जी। दो तीन लोग, और इसके और भी विकल्प अपनी आवश्यकता के अनुसार सोचे जा सकते हैं जी। जी बिल्कुल, कुल मिला के दिस स्पेस इज अवेलेबल, मतलब ये स्पेसेस के अंदर है जो जी भिन्न भिन्न प्रकार से यूज हो सकते हैं। चलिए सर इसको फोल्ड कर देते हैं। और जी बेड को फोल्ड करने के बाद ये देखिए किचन कैबिनेट को वापस सरका के ले आए अपनी मूल स्थान पे। अब सर ये टिकेगा कैसे, जब गाड़ी चल रही होगी तो क्या होगा? सर ये आधा इंच भी नहीं हिलता, जितनी मर्जी पहाड़ों को हम लेके गए गाड़ी, आधा इंच तक भी नहीं हिली। इसके लिए ना हमने ये इंतजाम किया, जो गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं होती। हाँ हाँ, ये वो वाली है। ओके ओके ओके, इसका क्लैंप इधर है, वो तो सीट को आगे करेंगे और क्लैंप लगा देंगे। अच्छा, ये क्लैंप आपको लगाना, ये बहुत मजबूत होती है, एक इंच भी नहीं हिलती है। हाँ सर, ये तो चाहे ऐसे ऐसे हो चाहे आगे पीछे हो, ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। क्या बात जी। तो वहां से हम आ रहे हैं अब आगे, राइट हैंड साइड मेरे ख्याल से आपके है अभी वॉशरूम, हम लेटर पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के। पहले ये जो बेड दिख रहा है सर, इसके बारे में बताइए, क्या इसके डायमेंशन और कितना आराम से इसमें सोया जा सकता है? सर जितना हमने पहले दिखाया बेड सेम उसी साइज का है ये वाला बेड, और ये परमानेंट है, ये फोल्ड नहीं होता। और इसके अंदर एक बॉक्स बेड है, मतलब स्पेस है काफी ज्यादा, तो कुछ स्पेस पीछे वाली तरफ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जी अभी जब पीछे आएंगे। इसका तो साइज मान लीजिए 5.5x4.5 होगा। ओके ओके, 5.5 और 4.5 इस ये साइज का ये वाला बेड है, पूरा ये बेड है। और ये बैक ओपनिंग मिल जाती जी, है बैक ओपनिंग, ये देखिए ये हम गए तो ये पूरी बैक ओपनिंग मिल जाती है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर क्या आप चाहेंगे, पहले पेट पूजा दिखाएं कि भाई आपका आउटडोर किचन कैसा है, या फिर पहले अंदर का वॉशरूम माइंड अप कर दें? नहीं, पहले बाहर वाला दिखाते हैं। आइए सर, आइए। तो ये है जी बैक साइड, क्या बात है सर, वाह, रूप ब्लॉगर्स। तो ये सर पीछे वाला किचन है इसका जी। तो जो आपकी पहले कैंपर वैन थी ना जी, वो टेम्पो ट्रैवलर में सेम उसे हमने देख के वैसा ही ये वाला बना लिया। क्या बात। और इसके नीचे एक चूल्हा है, ये आपका डबल बर्नर गैस आ जाता है जी, ये खड़के की वजह से लगाया ना, ऊपर से रख दिया जिससे कि आवाज जी जी। और ये पूरी किचन स्टोरेज जो हमारे घर में हम यूज करते हैं, जो मतलब डब्बे बॉक्स वगैरह जो दालों वाले जो कुछ भी हो, वही हम इसमें लेके रखते हैं जब जाना हो, क्योंकि घर में तो है नहीं कोई, तो किसने यूज करने, वही सेम सामान हम इससे रख लेते हैं। सही बात। और ये थोड़ा सा हमने ऐसे ऐसे बनाया कि ट्रॉली टाइप बाहर आ जाती है, जो जरूरतमंद चीजें जहाँ जब हम खाना बना रहे हैं तो जैसे ज्यादा जरूरत वाली यहाँ पे चीज रख लेते हैं। करेक्ट। हाँ, और ये परमानेंट है यहाँ पे, ऐसा खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लगते ही नहीं कि हम बाहर हैं। हाँ, जैसे किचन का सेल्फ होता है उस मतलब उस साइज का, ये बड़ा सेल्फ है, काफी बड़ा ये वाला। और यहाँ पे सिलेंडर आ जाता है, यहाँ पे जी सिलेंडर जो अभी आपने निकाला हुआ जी जी जी।
और इस बॉक्स में हम अपना इन्वर्टर रख लेते हैं, जो लाइट वगैरह का जो दिक्कत है ना, वो उसके बारे में ये बताएंगे आपको। हाँ, वो भी सर सेम ही जैसे हम बर्तन वगैरह रखते हैं घर वाले, इन्वर्टर भी वही रखते हैं इसमें। हमने पूरे कनेक्शन दे रखे हैं, जैसे इधर से आइए आप, इधर दूसरी तरफ से अगर हम इस पॉइंट से इन्वर्टर जोड़ देंगे, जैसे ये वाला रखा है ना, ये इन्वर्टर के पीछे लग जाएगा। अभी ये जो इन्वर्टर है गाड़ी की, गाड़ी में अंदर एक और इन्वर्टर लगा है जो गाड़ी की बैटरी से ही चलता है। ओके। और उससे क्या है, जो भी इसके अंदर जैसे 6-7 लाइटें लगी हुई है, कंसील्ड लाइटें लगी छत पे लगी है, वो सारी गाड़ी के इन्वर्टर से चलती है और काफी अच्छा बैकअप है उसका, गाड़ी की बैटरी भी नहीं डाउन होती पूरी रात में। और अगर हमारे पास जैसे दूसरा, अगर हमने ज्यादा दिन के लिए, दिनों के लिए निकलना है, तो हम घर वाला इन्वर्टर रख लेते हैं, तो ये उसमें लगा देते हैं। मतलब अभी आपकी गाड़ी में अल्टरनेटिव करंट के डिवाइसेस लगे हैं एसी के? जी जी। और उसके अलावा एक, अगर हमें किसी से सप्लाई मिल जाए तो हमने इसमें एक गीजर भी लगा रखा है। ओके। जी, इसका ये प्लग है और ये वायर है, वायर किसी के घर में से हम लगाएंगे और इसको लगाएंगे और कनेक्शन से वो चल पड़ेगा। जी जी, स्टोरेज तो सर काफी सारा है। जी, जैसे हाफ स्टोरेज में इसका बेड का सामान जो हमारे बिस्तरे बुस्तरे है वो वाली होगी, और हाफ में ये सारा किचन का जो ज्यादा जरूरत वाला है। हाँ, तो इधर भी हमने कुछ ऐसे बना रखा है जो जैसे कुछ छोटी छोटी डब्बियां वाला शेल्फ्स हैं, कुछ उधर है, इधर भी दिखाते हैं। ये वाला काट के बना दिया था। हाँ, ये भी इसमें स्पेस थी, मैंने खोल के देखा इसमें स्पेस है, तो हमने ये वाली डब्बियां सी लाए और अपने दिमाग से जैसे भी ठीक लगा तो हमने ये बना दिया। अगर हम किचन पूरा साथ में लेके चलते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं आती है ना, तो आपको पता है किचन में छोटे छोटे मसालों के लिए जगह तो चाहिए, तो ये सामने एक ये होता है, मसाले तो रख लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, ये सामने हमने पूरा बनाया, फिर जो भी छोटे छोटे मसाले हैं जो हमें ज्यादा डेली यूज करने वो यहाँ रखते हैं। और ये फोल्ड कितनी देर में जाता होगा सर? ज्यादा सर, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट, अगर ज्यादा खिल रहा हुआ तो फिर 5 मिनट लग जाएंगे। नहीं, खुलने में टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, इसके डब्बे वगैरह ऊपर रख देने, बस इस पर से बंद कर देने। ब्लॉगर वापस आ गया। तो ये सर हमारा वॉशरूम है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो खाना भी आपको मिल जाता है, अगर होटल वगैरह से आप खाते हो तो सोने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं गाड़ी में जैसे सीट सीधी करके सो जाते हैं, लेकिन ये वॉशरूम का जेड़ा बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमने ये वैन को तैयार किया है। तो ये हमने अपना छोटा सा वॉशरूम बनाया है, ये देखिए छोटा भी नहीं है, काफी स्पेस है, आप आराम से इसमें नहा सकते हो। ये शीट लगाई हमने जी, लगा दी है, ये उसका फ्लश आ गया जी, और ये यहाँ पर स्पेस है क्या जी, कहाँ ये देखो बहुत स्पेस है, आपको बैठकर भी नहाना हो, ऐसे खड़े होकर भी नहाना हो तो अच्छी स्पेस है। और जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो ठंडी वगैरह के लिए अगर पानी गर्म, बच्चे जैसे खेलते हैं, तो ये हमने छोटा सा ये किचन लगाया, तो इसका पॉइंट जैसे आपको पीछे पहले दिखाया है वहाँ से ये चलता है, और एक ये टैब है गीजर की, गर्म पानी की और एक ठंडे। और इसका साइज जो है वो 4.5 फुट और 2.5 फुट है ये। अच्छा जी, तो ये भी अगर आप किचन वहाँ कर देते हैं, यहाँ देखिए आप कितनी स्पेस है, आराम से आप ऐसे निकल सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जैसे ये टायर के ऊपर बना होता है ना ये, इसको भी हमने ऐसे कवर कर दिया है, ये लकड़ी से पूरा कवर कर दिया है, ऐसे आराम से आप यहाँ बैठ भी सकते हो ऐसे, अगर आपने आराम से बैठना है, कुछ ऐसे सामान रखना है बैठ के अंदर, वॉशरूम में कोई है। हाँ, तो जी ऐसा ही कुछ। तो इसको एक आप सेटी की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे बेड के साथ आपके होता है ना उससे सेटी, फोन वगैरह यहाँ रखना है, चार्ज लगाना है आपने, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ फोन चार्ज लगा देते हैं। हमने सोचा था इसको और थोड़ा बड़ा कर दे, लेकिन फिर उसके बीच ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किचन को ऐसे काटा हुआ है नीचे से, तो वो यहाँ आके इसके बीच ऐसे फिट हो जाती है, जब पीछे हम खींचते हैं ना तो इसकी पूरी फिट हो जाती है। तो ये बेड है, स्पेस की जो इसमें कमी नहीं है, बेड ये बॉक्स है, ये देखिए इसको उठाते हैं, पूरा बोरी बिस्तर हम इसमें अपना भर लेते हैं, अगर हम सर्दियों में बाहर जा रहे हैं तो रजाई वगैरह जो भी हमें चाहिए, कंबल वगैरह कपड़े जो है वो इसमें रख देते हैं, और डेली यूज के लिए ये ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें बच्चों के अपने जो डेली यूज के कपड़े हैं वो हम रख देते हैं। तो चलिए सर, ये तो बात हो गई गाड़ी के डायमेंशंस, गाड़ी के गाड़ी में आपने क्या क्या बिल्ड किया हुआ है, कैंपर वैन किस तरीके से आपने डेवलप करी है जी। पर मेन चीज होती है कि गाड़ी जिस बेस पे बनी है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो कौन सी
टेम्पो ट्रैवलर के किस वेरिएंट पे ये बना हुआ है, कितने हजार किलोमीटर चला हुआ है, और उसके बाद बताइएगा कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। जी सर, ये फोर्स का टेम्पो ट्रैवलर मॉडल है, इसका व्हील बेस है 3700, जो जिसे सीधी भाषा में बोलते हैं साढ़े तीन वाली इससे बड़ी होती है, और ये तीन शीशे वाली बोलते हैं इसको, 3700 इसका व्हील बेस है। तो इसका मॉडल है 2014। ओके, हाँ 14 मॉडल है, और ये चली हुई है, मीटर पे देखते हैं आप। हाँ 61,349 बिल्कुल जी, इतनी ही चली है, मतलब पूरी ठीक है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं ना इसके इंजन में, ना गियर में और स्पीड में। काफी अच्छी, जिन्होंने चलाई होगी उनको पता होगा ये कार जैसी फीलिंग है इसमें, जैसे कार चला ली वैसे ही ये चला ली, कोई जंप नहीं, कोई थकता नहीं बंदा, चाहे 600 किलोमीटर भी हमने चला के देखी एक दिन में, कोई भी थकावट नहीं होती इसमें, जैसे कार की सस्पेंशन है वैसे ही है पूरी, मतलब ऐसे नहीं भी कि आपका ये दुखने लग जाएगा शाम तक, कुछ भी नहीं ऐसा। सही, हाँ जैसे गाड़ी में वैसे ही ये। तो सर फाइनली मुझे लगता है अब इसका प्राइस हमें रिवील कर देना चाहिए, क्या आप एक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि आप किसी को ये गाड़ी दे पाएंगे, क्या प्राइस में? सर हमने इसका प्राइस बहुत कम रखा है ना, अपने हिसाब से भी, और जिसने लेनी है उसको भी ज्यादा ना लगे, तो इसका हमने प्राइस रखा 10.5 लाख भी, इतने में हम गाड़ी दे देंगे, और इसके बारे में हमने पूरी डिटेल आपको बता दी। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो हमसे फोन करके पूछ सकता है, नंबर हम इस वीडियो में, हाँ कोई कोई और जानकारी लेनी हो वीडियो में मैं नंबर नीचे आ भी रहा है आपका जी, तो अगर कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी संदर्भ में तो मुझे लगता है उस नंबर पे पूछी जा सकती है। जी सर, तो बहुत बढ़िया सर, ये देखिए कितनी सुंदर वैन हमने आपको दिखाई, और करते हैं मैं वापस आता हूँ कैमरे पे फेस करता हूँ, भाभी जी इधर आ जाएगी, और करते हैं इस ब्लॉग को एंड। जी तो चलिए मित्रों, बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस वैन में क्या क्या चीजें हैं। ये तो मैं मानता हूं कि देखिए हर बारीक चीज किसी वीडियो में बताना उतना संभव हो नहीं पाता, तो अगर लगता है कि आपकी बहुत हद तक कुछ रिक्वायरमेंट्स इस प्रकार की गाड़ी से कैंपर वैन की फुलफिल होती है, सो आप सिमरन जी को कॉल कर सकते हैं। एक और बात जो मुझे लगता है शायद रह गई कि ये एक येल्लो प्लेट रजिस्टर्ड व्हीकल है, सो वो आप कंसिडर कर दें कि इसको अगर आपको प्राइवेट नंबर करानी है तो किस प्रकार से कराएंगे, और अगर आप इसको कमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो एज इट इज स्थिति में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शेष कोई भी जानकारी है तो फोन नंबर पर प्राप्त की जा सकती है। आशा है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मतलब इस कैंपर वैन की जो सब चीजें हमने आपके साथ शेयर करी दो दृष्टिकोण से, एक अगर आप अपनी कैंपर वैन बनाना चाहते हैं तो नए नए कंसेप्ट, नए नए विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, और दो अगर आप इस कैंपर वैन को खरीदना चाहते हैं तो सारी जानकारियों के साथ जो मोटी मोटी चीजें थी वो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। चलिए फिर करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड, अगले व्लॉग में अब लगभग आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे क्योंकि हम दोबारा पहाड़ों पर लौट चुके हैं, सो उन रोज की स्मृतियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र कल अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। नमस्कार।